हेलो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है TVS XL 100 का दो वेरिएंट BS6 में आ चुका है, जैसे कि TVS XL 100 हैवी ड्यूटी आइटा चेस्टर्ड BS6, ये आपको BS4 में भी मिलेंगे, BS6 में भी मिलेंगे, और एक है TVS XL 100 हैवी ड्यूटी आइटा चेस्टर्ड स्पेशल एडिशन BS6, इसका भी आपको BS4 में मिल जाएंगे और BS6 में भी मिल जाएंगे। आज मैं आपको बताने वाला हूँ इस दो वेरिएंट BS4 और BS6 में प्राइस में कितना अंतर है। अगर आप इस वीडियो को देखोगे तो आप शॉक हो जाओगे, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। सबसे पहले TVS XL 100 हैवी ड्यूटी आइटा चेस्टर्ड का BS4 वाले का एक शोरूम प्राइस है दिल्ली में 40,054 रुपया, RTO का खर्चा आ जाएगा 2,403 रुपया, इंश्योरेंस का खर्चा आ जाएगा 5,290 रुपया। टोटल मिला के इसका ऑन रोड प्राइस आ रहा है दिल्ली में 47,746 रुपया। अगर इसी वेरिएंट का BS6 का देखें तो इसका एक शोरूम प्राइस है 42,283 रुपया, RTO का खर्चा आ जाएगा 4,228 रुपया, इंश्योरेंस का खर्चा आ जाएगा 5,242 रुपया। टोटल मिला के इसका ऑन रोड प्राइस आ रहा है 51,753 रुपया। तो इसमें प्राइस में कितना फर्क हुआ, तकरीबन 2100 रुपये से ज़्यादा फर्क हो गया। तो अभी आप कहोगे कि गाड़ी में क्या फर्क है, गाड़ी में फर्क बताऊंगा वीडियो के आखिर में, इससे पहले हम देख लेते हैं स्पेशल एडिशन का कितना फर्क आता है। दोस्तों हैवी ड्यूटी आइटा चेस्टर्ड स्पेशल एडिशन का एक शोरूम प्राइस है दिल्ली में 40,464 रुपया, इसका RTO का खर्चा आ जाएगा 2,427 रुपया, इंश्योरेंस का खर्चा आ जाएगा 5,298 रुपया। अभी देखते हैं इसका ये है BS6, इसका एक शोरूम प्राइस है दिल्ली में 43,523 रुपया, RTO का खर्चा आ जाएगा 4,352 रुपया, इंश्योरेंस का खर्चा आ जाएगा 5,266 रुपया। तो टोटल मिलाकर दिल्ली में इसका ऑन रोड प्राइस आ रहा है 53,141 रुपया। तो इसमें भी लगभग 2100-2200 रुपया का फर्क आ रहा है। अभी आपके दिमाग में एक बात आ रहा है तो गाड़ी में क्या फर्क है। दोस्तों गाड़ी में छोटा मोटा कुछ फर्क हो सकता है, लेकिन जो सबसे बड़ा यहाँ पे फर्क देखने को मिल रहा है वो है BS4 में कार्बोरेटर लगा हुआ था और BS6 में कार्बोरेटर की जगह फ्यूल इंजेक्टर बना दिया गया, यानी फ्यूल कार्बोरेटर को निकाल लिया गया और पाइप को डायरेक्ट कर दिया, तो ये फ्यूल इंजेक्टर बन गया, मतलब फ्यूल इंजेक्शन बन गया। तो दोस्तों यही फर्क है और यहाँ पे पैसा ज़्यादा लिया जा रहा है, हालांकि इसमें पैसा कम लेना चाहिए था, ये पैसा ज़्यादा लिया जा रहा है। तो दोस्तों आगे जाके जितने भी गाड़ी आएगा सब BS6 में आएगा और मार्केट में BS6 ही चलेगा। फिलहाल तो और कोई BS4 गाड़ी निकलने वाला नहीं है, आप अगर चाहो तो BS6 ही लो, BS4 आप मत लो। लेकिन आप BS4 लेना चाहते हो तो ले सकते हो, क्योंकि सरकार की तरफ से कहा गया है कि BS4 मार्केट में जितना है वो गाड़ी चलेगा, जब तक वो ख़त्म होना हो जाए वो गाड़ी चलता रहेगा। सो दोस्तों फिलहाल वीडियो में इतना ही और आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर इस वीडियो के बारे में आपका कुछ भी कहना हो, कुछ बताना हो, कुछ पूछना हो, कुछ सुझाव देना हो, कुछ जानना हो किसी और गाड़ी के बारे में जानना हो तो नीचे जाकर कमेंट करें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।